श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह सुसंपन्न हुआ। ठाकुर जी का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह नाग्रजता के साथ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ। ये अष्ट ठाकुर जी के मुख्य पटरानियां और इन अष्ट पटरानियों से विवाह करने के बाद ठाकुर जी एक भौमासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए गए, जिसकी मृत्यु के पश्चात 16,100 राजकुमारियों को उसने बंदी बनाया था, जिनको ठाकुर जी ने मुक्त किया और एक साथ उन सब से भी विवाह किया, क्योंकि वे सब अपनी मृत्यु को स्वीकार करने का भाव मन में धारण कर चुकी थी। ठाकुर जी बोले, मृत्यु क्यों स्वीकार करनी, हमारा नाम ही नाथ है और नाथ का कारण जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, आप सबसे हम विवाह करेंगे। और ठाकुर जी ने 16,100 उन राजकुमारियों के साथ विवाह किया, तो 16,108। ये अष्ट मुख्य पटरानियां भगवान की ये अष्टधा प्रकृति है। बंधुओं, आप सब जानते हैं प्रकृति किसके अधीन है, ठाकुर जी के अधीन है। वर्षा तभी होगी जब ठाकुर जी चाहें, समुद्र में उफान तभी आएगा जब ठाकुर जी चाहें, प्रलय तभी होगी जब ठाकुर जी चाहें। ये प्रकृति भगवान के अधीन है। 5 प्रकृति हम लोगों के बाहर है और 4 प्रकृति हम लोगों के भीतर है। 9 प्रकृति के रूप हैं। 5 प्रकृति बाहर की कौन कौन सी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी अग्नि तेज पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। और 4 प्रकृति हम लोगों के भीतर है, जिसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 4 हमारे भीतर हैं, 5 हमारे बाहर हैं। इन 9 से ही हमारा जीवन चलता है। बाहर पृथ्वी पर हम रहते हैं, जल हम पान करते हैं, स्नान करते हैं, अग्नि के बिना हम कुछ भी पा नहीं सकते, वायु के बिना हम रह नहीं सकते, आकाश के नीचे हम रहते हैं। और भीतर भी ये 4 प्रकृति हैं जो हमको जीवित रखती हैं। मन नहीं हो तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरा बुद्धि, बुद्धि के बिना भी वो किसी योग्य तो नहीं। चित्त यानी कि हमारी आत्मा, जिससे हम जीवित हैं, जिसके बिना हम एक डेड बॉडी माने जाएंगे। और 4थी है अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं वस्त्र पहन रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, एसी चला के बैठा हूं, हीटर चला के बैठा हूं, इस शरीर को भोजन करा रहा हूं जीवित रखने के लिए, ये एक सूक्ष्म अहंकार है। ये नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। प्राण जब निकल जाते हैं तन से, तब उस व्यक्ति को आप गाली दे दो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसकी प्रशंसा करो उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अहंकार नहीं है। बुराई से बुरा लगना, अच्छाई से अच्छा लगना, ये सब अहंकार के वश होता है। तो ये 4 हमारे भीतर हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 बाहर। इनमें से चित्त नाम का जो प्रकृति है हमारे भीतर, आत्मा, ये स्वयं परमात्मा ही है। तो इनको यदि अलग कर दिया जाए तो कितने बचे, भीतर 3 बाहर 5, टोटल कितने हुए, 8। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। अब इतना समय नहीं है, नहीं तो एक एक पत्नी का एक एक भाव बताया जा सकता है। रुक्मणी जी जो है वो अग्नि का स्वरूप है, लक्ष्मी अग्नि में निवास करती है, पवित्र होती है परम। सत्यभामा जो है वो भूमि का स्वरूप है,
तभी वर्णन आता है जब भगवान को भौमासुर को मारने के लिए गए तो भौमासुर का जब जन्म हुआ तो भूमि ने भगवान से कहा मेरे पुत्र को कभी मत मारना क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा है आप ही उसको मारोगे। तो भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो भूमि ही भगवान की पत्नी सत्यभामा बनकर के आई और जब भगवान भौमासुर को मारने गए तब सत्यभामा ने ही कहा बोले भगवान इस राक्षस को मार दीजिए। तब भगवान बोले अब मारेंगे। तो भूमि सत्यभामा, अग्नि रुक्मणी, जल सबको पता है कौन है, यमुना। इसी प्रकार ये बाहर की पंच प्रकृति और भीतर की तीन प्रकृतियां, ये भगवान की आठ पत्नियां हैं। अब बची 16,100, ये कौन है? तो उपासना कांड में जितने भी भगवत उपासना आराधना के मंत्र जो हम लोग बोलते हैं वो सब 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नी बनकर के आए। समझ में आई बात? 16,108 कोई स्त्रियां नहीं है, भगवान की आराधन के ही 16,100 मंत्र और आठ प्रकृति, यही भगवान से विवाह करने के लिए पधारे। ठाकुर जी का 16,108 विवाह हो गया। कुल भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की। आगे भागवत में प्रणय कलह आता है, भगवान रुक्मणी जी के साथ में नोक झोंक करते हैं, थोड़ा वो रूठ हैं ऐसा भाव करते हैं। क्यों? कहते हैं कि भैया अति सामिप्य में दोष होता है, सब अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा रहेगा तो ये इसका मतलब ये दोष है, कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हम बालक को सुंदर बनाते हैं फिर काला टीका यहाँ क्यों लगा देते हैं, ज्यादा सुंदर रहेगा तो नजर लग जाएगी, इसलिए एक डटोना धर देते हैं उसको। ठीक वैसे ही सब अच्छा ही अच्छा चले इसलिए बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ विपरीत होना चाहिए जिससे कि उस कार्य को नजर ना लगे। ठीक वैसे ही भगवान कहते हैं विवाह के बाद प्रेम ही प्रेम बना रहेगा तो समझो विवाह उचित नहीं है, केवल व्यवहार मात्र, लड़ाई होनी चाहिए, बीच बीच में थोड़ी नोकझोंक होती रहे उससे प्रेम बना रहेगा। तो आज ठाकुर जी जान मुझ के मन में विचार बोले इतने साल हो गए, हमारे पुत्र हो गए, पुत्रों के भी पुत्र हो गए, नाती पोता सब हो गए, ये अभी तक रुक्मणी जी से हमारी लड़ाई नहीं हुई, तो आज ठाकुर जी रुक्मणी जी से लड़ने पहुंच गए जबरदस्ती। रुक्मणी जी पंखा कर रही थी, भगवान बोले तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली जब किया था तब तो पूछा नहीं, अब हमारे पुत्रों के भी पुत्र हो गए, हम दादा दादी बन गए, अब पूछ रहे हो ब्याह क्यों किया, अब क्या फायदा इस प्रश्न का? ठाकुर जी बोले तुम्हारे लिए वैसे वो ही बढ़िया था जिससे तुम्हारा ब्याह होने वाला था, शिशुपाल, तुम कहो तो हम तुम्हारा ब्याह करा दें। ऐसे करके भगवान जबरदस्ती रुक्मणी जी को क्रोध दिला रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी को क्रोध तो आया नहीं, मूर्छित होकर के गिर गई भगवान की बातें सुन के। ठाकुर जी बोले भैया ये तो उल्टा हो गया, हम तो चाह रहे थे इनको क्रोध आए लेकिन ये तो मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो भुजा से रुक्मणी जी को उठाया, एक भुजा से पानी छिड़काव करने लगे, एक भुजा से हवा करने लगे, रुक्मणी जी की सेवा करने, रुक्मणी जी को होश आया। ठाकुर जी से कहा कभी भी आपसे विरह हो ऐसा भाव आप मत कहना, हम सह नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी ने यहां पर गृहस्थाश्रमियों को बताया, बोले भैया ज्यादा समीप रहने से प्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है और जब हम किसी के बहुत समीप रहते हैं ना तो उसके अंदर हमको दोष दिखने लग जाता है, इसलिए जिससे भी प्रेम हो एक मध्यस्थता बना करके रखना, उसके ज्यादा समीप मत जाना नहीं तो दोष दिखेगा। कई लोगों का मन होता है कि हम श्री जगन्नाथ जी को 24 घंटे निहारें, अगर आप निहारोगे तो आप, हम लोग इतने दुष्ट हैं कि हम जगन्नाथ जी में भी दोष देख लेंगे। पति पत्नी विवाह से पहले सब गुण ही गुण दिखते थे एक दूसरे में, लेकिन विवाह के बाद इतने दुर्गुण क्यों दिखने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि अति सामिप्य हो जाता है और शास्त्र आज्ञा करते हैं अति दूरात अति सामिप्य, इन दोनों में दोष जन्म लेता है, इसलिए मध्यस्थ रहो, ना तो किसी से ज्यादा दूरी बनाओ ना किसी के ज्यादा समीप रहो, बीच में रहो। और इसी मध्यस्थता को निभाने के लिए ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ प्रणय कलह किया।
राजा नरण की कथा बताई, नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने के लिए आए, कैसे रहते हैं भगवान इतनी पत्नियों के साथ, सब नारद जी ने दर्शन किया। भगवान की दिनचर्या बताई, ठाकुर जी सुबह उठते ही अपना हस्त कमल दर्शन करते हैं और दर्शन करके हस्त कमलों में वैष्णव भक्तों का चिंतन करते हैं। फिर ठाकुर जी के पूरे दिन भर की यहां पर दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी दिनचर्या कैसी रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी गौशाला जाके गायों की सेवा करते हैं नित्य। उसके बाद शंख का वादन करते हैं, पांचजन्य शंख बजाते ही सारा द्वारिका नगरी सब उठ जाती है। उसके बाद ठाकुर जी बाल भोग लेकर के फिर स्वधर्मा सभा को संबोधित करते हैं और आज किससे मिलना क्या करना वो सब ठाकुर जी का क्रम चलता है। इस प्रकार भगवान की दिनचर्या बताई गई। फिर बताया कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों के सहित भगवान को निमंत्रित किया। भगवान बोले अब 20,000 राजकुमार कहां से लेके जाएं हम। तभी जिसके कारण भगवान रण छोड़ करके भागे, जरासंध के यहां से एक खबर आई कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है जबरदस्ती हट पूर्वक। तब ठाकुर जी बोले वहां से राजकुमारों को मुक्त करके हम ले जा सकते हैं, और मुक्त करने के लिए जरासंध को मारना पड़ेगा। तो भगवान अपने साथ भीम और अर्जुन को लेकर के गए। अर्जुन के साथ में जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ने पत्र तोड़ के विपरीत दिशा में फेंक करके संकेत दिया और जरासंध का वध अर्जुन ने भीम ने कर दिया। 20,000 राजकुमारों को लेकर के भगवान जब पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचे तो वहां शिशुपाल भी बैठा था। सबसे पहले तो शिशुपाल ने भगवान को देखा तो देख करके क्रोध करने लगा। उसके बाद भगवान के पुत्र को देखा प्रद्युम्न को, प्रद्युम्न को देखने के बाद भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को देखा, परपौत्र को देखा और जलने लगा। बोले ये मेरा पुत्र होता, ये मेरा पौत्र होता यदि रुक्मणी का मेरे से ब्याह हो जाता तो। और जैसे ही रुक्मणी जी को देखा तब तो उससे सहन ही नहीं हुआ, इतना बोले कहाँ ये मेरी पत्नी बनती, मेरे बगल में बैठती, ले गया ये इसको चुरा करके। जलने लगा भगवान के पूरे परिवार को देख करके। तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही भैया अश्वमेध यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो, अग्र पूजा किसकी हो, इसका प्रस्ताव जब रखा गया तब जरासंध के बेटे सहदेव, एक सहदेव तो पांडवों में है, एक सहदेव जरासंध का बेटा है, उसने भगवान का नाम रखा। बोले सबसे पहले द्वारिकाधीश की अग्र पूजा होनी चाहिए, आप लोग इनके रूप को समझ नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, ये साक्षात परमात्मा है। भगवान की अग्र पूजा हो, सबसे पहले पूजा हो, बहुसम्मान भगवान का हो, ये बात सुनकर के तो शिशुपाल को और बुरा लगा। मैं जिस सभा में आया उस सभा का सारा मतलब हम सब तारे हो गए, चंद्रमा कृष्ण हो गया, ये बात सुनकर के उसको और बुरा लगा। इतना जलन हो गई उसके हृदय में, गालियां देने लगा भगवान को। 100 गालियों की उसको छूट दे रखी थी भगवान ने, आज 101 गाली पूर्ण होते ही सुदर्शन चक्र ने उसका सर धर से अलग कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से आज कल्याण कर दिया शिशुपाल का। फिर सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासी और यहां से द्वारिका वासी कुरुक्षेत्र गए यज्ञ करने के लिए, ऐसी कथा आती है। और उसी यज्ञ में भगवान को पता चला ब्रजवासी आए हैं, तो सब ब्रजवासियों से मिले भगवान सैकड़ों वर्ष बाद। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, अपने सब सखाओं से मिले, यशोदा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले, सब ब्रजवासियों से मिलकर के ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगाया। और दिनों दिन तक ठाकुर जी ब्रजवासियों के बीच ही बैठे रहे, बात करते रहे। भगवान की पटरानियों ने सोचा ब्रजवासी सब आए हैं, राधा रानी भी आई होंगी। पता चला हाँ राधा रानी भी आई हैं। भगवान की सब पटरानियों ने मन बनाया चलो देख के तो आए, ये राधा रानी है कौन, क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर हैं, इनका रूप कैसा है जरा देखें तो सही। सब पटरानियां मन में विचार करने लगी हम त्रिभुवन सुंदर हैं,
स्वर्ग की अप्सराएं भी हमारे सामने घूंघट कर लेती हैं लज्जा के कारण, इतनी सुंदर हैं भगवान की पत्नियां। लेकिन आज वो त्रिभुवन को भी मोहित करने वाली भगवान की पटरानियां किशोरी जी से मिलने के लिए गई। जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, परम सुंदरी घुंघराले केश मृग नैनी सुंदरता की सीमा को जब देखा, पटरानियों के हृदय का पहले तो अहंकार नष्ट हुआ कि हम सुंदर हैं। सब पटरानियां आपस में देखने लगी, बोले भाई कुछ भी कहो, हम कितनी भी सुंदर हों, लेकिन इनकी सुंदरता तो अद्भुत है। चरणों में प्रणाम किया, हे किशोरी जी, हे राधिका जी, हम आपको प्रणाम करते। तुरंत उस युवती ने रोका, कहा मैं उनकी दासी हूं, राधिका तो भीतर विराज रही है, स्वामिनी जी तो भीतर विराज रहे। रुक्मणी बोली आप दासी हो? बोले जी। सत्यभामा जाम्बती बोली दासी को देख करके हम अपने रूप पर लज्जा कर रही हैं, तो किशोरी जी को देख के क्या होगा? तो आठ पटरानियों में से फिर पांच ही रह गई, बाकी तो बोली हम अंदर देख ही नहीं पाएंगे, हम यहीं से जा रही हैं। दासी को ही प्रणाम करके चली गई। पांच पटरानियों ने भीतर प्रवेश किया तो बाहर जिसको देखा उसकी रूप को भी लज्जा आ जाए, ऐसा रूप जब उनका दर्शन किया तो रुक्मणी आदि सबने सोचा कि अब तो ये तो निश्चित ही किशोरी जी हैं, क्योंकि हमने तीनों लोकों में ऐसी सुंदरता तो नहीं देखी। चरणों में प्रणाम किया, किशोरी जी हमारा प्रणाम स्वीकार करो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं किशोरी नहीं हूं, मैं तो दासी, किशोरी जी तो भीतर बैठी। कहने का अभिप्राय इस कथा से क्या सीख रहे हैं? आप वृंदावन गए, आपने ठाकुर जी का दर्शन किया और ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आपने कहा कि किशोरी जी कहाँ है, किशोरी जी तो दिखी नहीं, तो निश्चित मानिएगा कोई ना कोई दुर्गुण भीतर शेष रह गया है, इसीलिए किशोरी जी नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी जब कृपा करती हैं तो वो दिखेंगी, तो कोई दुर्गुण रह नहीं पाएगा फिर भीतर। भगवान की पटरानियों के भीतर सौंदर्यता का अभिमान, परीक्षा की भावना से जा रही थी, वो सब बाहर की दासियों ने नष्ट कर दिया। किशोरी जी तक तो पूर्ण भक्ति भाव आ गया रुक्मणी जी में। दूसरी दासी को देख करके दो सखियों ने और प्रणाम किया, बोले हम नहीं जा पाएंगे भीतर, इतनी सुंदरता को देखने की सामर्थ्य नेत्रों में नहीं, और वे भी वापस लौट गए। अब तो तीन ही रह गए, और इन तीनों ने जब भीतर प्रवेश किया तो एक और परम सुंदर प्रणाम किया, बोले आप किशोरी जी हो ना? बोले नहीं नहीं, मैं तो दासी हूं। दो पटरानियां वापस क्या जाएंगी उस ये बात सुनकर के कि ये दासी हैं, वहीं मूर्छित ही हो गई। रुक्मणी जी को मूर्छा तो हो रही थी सुंदरता देख देख करके, जैसे तैसे दासियों ने संभाला, बोले अब हम ले चलती हैं किशोरी जी के पास। जैसे ही भीतर प्रवेश किया, असंख्य सुंदरियों के मध्य में बाकी की संसार की सुंदरता तो सुंदर रूप में दिखती है, लेकिन किशोरी जी को देख करके सौंदर्य का भान नहीं हुआ। सुंदरता की सीमा तो ऐसी कि श्री 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 रुक्मणी जी के नेत्र ही नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को देख करके अपनी भी सुध खो गई रुक्मणी जी की, मैं कौन हूं, बस राधा राधा राधा, किशोरी जी उसी भाव में ही निमग्न हो गई, मूर्छा में पड़ गई। किशोरी जी ने जाकर के रुक्मणी जी को अपनी गोद में लिटाया, और ज्यों ज्यों रुक्मणी जी के आंख खोले, जैसे ही उनकी मूर्छा टूटे तो किशोरी जी की गोद में दोबारा किशोरी जी को देखें, फिर मूर्छित हो जाएं, फिर होश में आए, फिर मूर्छित हो जाएं। तब किशोरी जी ने प्रयास किया, बोले ये हमको देखे ही नहीं पाएंगे। तब किशोरी जी ने घूंघट किया, और घूंघट करके तब जब रुक्मणी जी को होश आया तब उन्होंने संभाला, बोले किशोरी जी घूंघट ऊपर करो, बोले रहन दो, मूर्छित हो जाओ कि यार आप तो ऐसे ही दर्शन करो, ये हमारी श्यामा जू है, ये हमारी लाडली जू है। श्री जगन्नाथ जी में भी ठाकुर जी का जो मुख है ना वो श्याम सुंदर है, लेकिन जो वस्त्र पहनते हैं ठाकुर जी वो भीतर वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी सब जगह छुपी विराज रही हैं। क्यों? जहां रुक्मणी के पास सामर्थ्य नहीं किशोरी जी को देखने की, तो हम कैसे देख सकते हैं उनके रूप को? ऐसी लाडली जू को बारंबार रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं। राधे तेरे चरणों की।
अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते दिल की कली खिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता मेरी तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों की एक प्रार्थना बस किशोरी जी से। बंधुओं, हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके भी उस भाव में नहीं जा पाते क्योंकि किशोरी जी की कृपा नहीं है। हम वृंदावन आकर के भी बाकी के सामान्य भावों का स्पर्श करके चले जाते हैं, लेकिन वहां आकर के वृंदावन के सदा के लिए हो जाएं ऐसी स्थिति हमारी नहीं हो पाती। इसका मतलब किशोरी जी ने हमें स्वीकार किया नहीं है। किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी धाम में जाओ, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो, एक ही संकल्प लेना बस, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की
जगन्नाथ महाप्रभु श्री किशोरी जी के प्रेम में विगलित देव हैं। श्री ब्रजवासियों की स्मृति में महाप्रभु जगन्नाथ जी वर्षों से ऐसे रूप में विराजमान हैं, जहां प्रेम की दसवीं अवस्था संपूर्ण विग्रह पार कर गया और पिघल गए नाथ। महाप्रभु जी के सामने जाओ, गीत गोविंद क्या है बंधुओं, किशोरी जी के प्रेम का ही तो व्याख्या की है जयदेव महाप्रभु ने। किशोरी जी के प्रेम को ही तो प्रकट किया, इसीलिए ठाकुर जी उसको हृदय से लगा करके सोते हैं, सदा अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। सबसे प्रिय है जगन्नाथ जी के सन्मुख जाओ। आज सब लोग जा रहे हो, विदा लेने जाओगे जगन्नाथ जी से। रोज तो आपने जय जयकार किए होंगे, जगन्नाथ महाप्रभु की जय। लेकिन मैं अपने कथा श्रोताओं से एक जय जयकार लगवाता हूं कथा मंदिरों में। आज जब जगन्नाथ जी के सन्मुख जाओ तो जाकर के प्रेम से सब लोग कहना वृषभानु की कुमारी की जय, श्री राधा रानी की जय। और फिर जब निकलने लगो मंदिर से तब थोड़ा प्रसन्न कर जाना जगन्नाथ जी को, बोलो वृषभानु के जमाई की जय। श्री जगन्नाथ जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। राधा 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 नाम संकीर्तन श्री ठाकुर जी को सुनाओ, अति प्रसन्न होते हैं। जैसे राम सुमिरन से महादेव प्रसन्न होते हैं, जैसे राम सुमिरन से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही श्री राधा सुमिरन से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। मानो एक प्रकार की औषधि है राधा नाम ठाकुर जी के लिए। वृंदावन की स्थिति ऐसी है, दर्शन श्याम सुंदर के हैं लेकिन नाम किशोरी जी का। ऐसी गोपनीय वस्तु है ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी ने सब प्रस्तुत कर दिया सबके सामने। मैं ऐसा प्रेम विगलित हूं दिखा दिया, मैं भक्त वत्सल हूं दिखा दिया, मैं काला हूं दिखा दिया, हम खीर चुराते हैं दिखा दिया, हम माखन चुराते हैं दिखा दिया, लेकिन अपने बहुमूल्य रत्नों को सदा छुपा करके रखते हैं श्री जगन्नाथ जी। किशोरी जी वो सदा छुपी हुई रहती, उसको सबको नहीं दिखाते। ऐसी किशोरी जी ने समस्त भगवान की पटरानियों को
भाव प्रेम का प्रदान किया। कृपालु जी महाराज के द्वारा ये जो रचित एक पद है ना, सरस किशोरी वयस किठोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की कोर, उसकी एक पंक्ति मुझे इतनी प्रिय लगती है। साधन हीन दिन मेरा राधे तुम करुणा और दूसरी पंक्ति जो प्रिय लगती है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अपनो कर लीजे। हम अपने सामर्थ्य से चलकर के जगन्नाथ जी जाते ही नहीं है, ये सामर्थ्य किशोरी जी प्रदान करती हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम चल करके जगन्नाथ जी के सामने चले जाएं, उनको नेत्रों से निहार लें, ये सब सामर्थ्य किशोरी जी देती हैं, नहीं तो ये संभव नहीं है। अभी नहीं समझेंगे आप, कभी कृपा होगी तो ये सब बात समझ आएगी। सब पटरानियों पर किशोरी जी ने कृपा की और इस प्रकार उसी दिन से रुक्मणी आदि पटरानी व्रज को याद करने लग गईं, व्रज की स्मृति में अपने दिवस बिताने लगी। आज सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से मिलन किया। तत्पश्चात आगे कथा भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की आती है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्।